बाड़मेर में जल्द ही अब मानसून प्रवेश करेगा। वहीं मानसून से पूर्व ही नगर परिषद ने भी कमर कस ली है। नगर परिषद द्वारा मानसून से पूर्व ही शहर के विभिन्न बड़े नालों की अभियान चलाकर सफाई की जाएगी। नगर परिषद द्वारा अलग अलग टीमों का गठन किया गया है, जो शहर के भीतरी और हाईवे पर चलने वाले बड़े नालों की सफाई करेंगे, ताकि बरसात के दिनों में ये नाले ओवरफ्लो ना हों। बाड़मेर में जल्द ही अब मानसून प्रवेश करेगा। वहीं मानसून से पूर्व ही नगर परिषद ने भी कमर कस ली है। नगर परिषद द्वारा मानसून से पूर्व ही शहर के विभिन्न बड़े नालों की अभियान चलाकर सफाई की जाएगी। नगर परिषद द्वारा अलग अलग टीमों का गठन किया गया है, जो शहर के भीतरी और हाईवे पर चलने वाले बड़े नालों की सफाई करेंगे, ताकि बरसात के दिनों में ये नाले ओवरफ्लो ना हों। नगर परिषद सभापति दिलीप माली के मुताबिक नगर परिषद द्वारा इन दिनों मानसून पूर्व की तैयारियां की जा रही हैं। इसको लेकर दो अलग अलग योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। पहली योजना में एक आपदा प्रबंधन टीम का गठन किया गया है, जिसे पंप, मोटर एवं जैकेट आदि उपलब्ध करवाए गए हैं। इस टीम को मानसून के दौरान शहर के निचले इलाकों में पानी भरने से उत्पन्न होने वाली स्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण देकर तैयार किया जा रहा है, ताकि आपात स्थिति में शहरवासियों की मदद की जा सके। वहीं दूसरी योजना में शहर के ड्रेनेज सिस्टम को चुस्त दुरुस्त रखने को लेकर काम किया जा रहा है। इसको लेकर कई टीमों का गठन किया गया, जो शहर के अंदरूनी और मुख्य मार्गों के पास बने नाले नालियों की सफाई को अंजाम दे रही है, ताकि बारिश के दौरान पानी निकासी की व्यवस्था सुचारू रहे। मानसून से पहले जो भी जनहित की के लिए आपात में से निपटने के लिए जो भी नगर परिषद का दायित्व है, उसके लिए नगर परिषद आमदन के लिए संवेदनशील है। सभी तैयारियां पूर्ण कर दी गई है। निचले इलाकों में जहाँ पानी का भराव होता है, वहाँ पे मड पंप द्वारा पानी को वहाँ से बाहर निकालना, उसके लिए 5 नगर परिषद द्वारा मड पंप है, वो नगर परिषद के पास में थे, उसको वापिस चेक करवा दिया है। कहीं कोई छोटी बड़ी प्रॉब्लम है, उसको ठीक करवा दिया गया है। और भी आपात स्थिति में निपटने के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर दी गई है। शहर के अंदर नाले चलते हैं, उन नालों की करीब करीब सफाया शुरू हो गई है। आज सुबह मैंने विजिट शास्त्री के साइड की थी, तो वहाँ पर नालों की अच्छी सफाई हो गई है। और आयुक्त साहब प्रत्येक दिन मॉनिटरिंग करते हैं, और मैं आयुक्त साहब और उनकी पूरी टीम को कहूँगा कि आप शहर के अंदर जितने भी नाले हैं, उनको अगर एक बार JCB और मैनुअल से, जो मैनुअल से हो सकता है उसको मैनुअल से, और जो JCB से हो सकता है JCB से, अगर हम पूरे तरीके से साफ करवा लेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि जो पानी की समस्या रहती है वो नहीं रहेगी। और काफ़ी नाले अच्छे साफ हुए हैं, जहाँ भी मैं चेक करने गए हूँ वहाँ अच्छा कार्य हुआ है। और भी आयुक्त साहब और हम मिलकर पूरी टीम के साथ में, अधिकारियों के साथ में, जितने भी नाले हैं उनको आने वाले 5-10 दिनों के अंदर अच्छी तरह से उसको साफ करवा, उस चीज़ के लिए भी हमने पूरी व्यवस्थाएँ कर दी है। और अच्छा मानसून आए और हमारे शहर को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने के लिए हमने करीबन 20-25 हज़ार वन विभाग से पौधों की भी डिमांड की है, सरकार की भी मंशा है। हम ये चाहते हैं कि हर घर के आगे एक अच्छा पौधा लगाए। उसके लिए आयुक्त साहब से हमने कहा है कि आप जल्दी से जल्दी टी गार्डों की व्यवस्था करें। नगर परिषद की ओर से इन दिनों मानसून पूर्व की व्यवस्थाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इसके तहत जहां पानी निकासी तंत्र को दुरुस्त किया जा रहा है, तो मानसून के दौरान आने वाली किसी भी आपात स्थिति से निपटने को लेकर नगर परिषद द्वारा विशेष तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि हर बार शहर का पानी निकासी तंत्र भी फेल होता है और शहर के निचले इलाकों में जल भराव की समस्या भी उत्पन्न होती है, लेकिन नगर परिषद ने इस बार इन दोनों ही दिक्कतों को दूर करने को लेकर पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है।